सागर की गुरु घासीदास कॉलोनी में एक टपरिया में आग लगने की घटना सामने आई है। आगजनी में घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। बच्चों की किताबें और शिक्षण सामग्री भी जलकर खाक हो गई। एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। झांसी की नंबर वन फ्रेंचाइजी अवध फूड, प्योर वेज फूड, वेज बिरयानी, कबाब रोल, कबाब पराठा 15 रुपए से शुरू। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुरु घासीदास कॉलोनी का है। सब्जी बेचकर गुजारा करने वाले अशोक यादव ने बताया कि बीती रात 12:30 बजे अचानक नींद खुली तो टपरिया में आग की लपटें उठ रही थी। आनन फानन में सो रहे छोटे बच्चों को उठाया और पत्नी सहित सभी को बाहर किया। कमरे में छोटे पालतू पशु भी थे जिन्हें सुरक्षित बाहर किया। उसके बाद अशोक ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई तो क्षेत्र के लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आग की घटना से 10 से 12 हजार रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें बच्चों के कपड़े, किताबें और गृहस्थी का जरूरी सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची थी। अशोक यादव ने असामाजिक तत्व द्वारा आग लगाने का आरोप लगाया है। 15 दिन पहले ही एक टपरिया में आग लगी थी। रहवासी अफसर अली ने बताया कि 6 साल पहले उनके टपरिया में भी आग लगा दी गई थी। यह असामाजिक तत्व का काम हो सकता है, आए दिन किसी न किसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आगजनी मामले की जांच शुरू कर दी है। रात में भैया 9:30 बजे हम खाना पीना खा के सो गए 9-10 बजे। उसके बाद उठे, रात में गर्म टाइप का लगा तो हम सोच रहे थे कि जाने क्या हो गया। हम एकाएक उठे, हमने बच्चों को जगाया, बच्चों को देख रहे थे तो आग, बच्चों को देखा, बच्चों को तो देख नहीं, उठा के अलग किया और जब आग ही देखी बाहर से अंदर से, तो फिर जे भी आ गए, ये इधर के भी आ गए, ये फिर सब लोगों ने उठा के आग बुझाई, पानी मानी सब अपने अपने घर से लेके आए, तो बड़ी मुसीबत से बच्चे बचा पाए और हम लोग बचे। कैसे लगी थी आग, ये कुछ जानकारी नहीं? हम लोग तो सो रहे थे, किसी ने 12:30 बजे रात में आग लगाई है। पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने? पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, तत्काल पुलिस कंप्लेंट आई, पुलिस आई थी सर, 100 नंबर आई थी। अभी सिविलियन थाने गए थे तो उन्होंने लग के दे दिया है, ये दिया है पावती दी है। अब वो कह रहे थे हम 1-2 दिन में खोज करेंगे। हमने कहा सर एक काम करो, अभी चलो आप अगर वीडियो बना लोगे तो ठीक रहेगा, ऐसा खुले में बच्चे थोड़ी डाले रहेंगे। इसके पहले भी इस टाइप की घटनाएं हो चुकी हैं क्या? पहले 4-5 हो चुकी मोहल्ले में, 4-5 से ऊपर हो गई है सर। 6 साल पहले आग लगाई गई थी सर जी, हमने उसका सबूत है और रिपोर्ट भी की थी, पुलिस आई थी, वो भी कह रहे थे कि भाई हम जाँच करेंगे, है ना। और फिर अभी 15 दिन पहले फिर लगा दी गई आगी वहाँ पर। इसी तरह आगी लगाते रहते हैं, परेशान करते हैं, बच्चे रहते हैं अकेले घर में सर। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आप लोगों का, दोनों का मिला के? क्या है सर, अब आप खुद ही देखिए कि कितना आगी लगी है, कितना सब कुछ उजला गया है। एक ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। झांसी की नंबर वन फ्रेंचाइजी अवध फूड्स, भोपाल ग्वालियर के बाद अब आपके शहर सागर में भी अवध फूड्स, प्योर वेज फूड्स, वेज बिरयानी, कबाब रोल, कबाब पराठा मात्र 15 रुपए से शुरू। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है एक्सिस बैंक के सामने सिविल लाइन सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7999650572, 9140860026।